गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक केमिस्ट्री क्लासेस। आज आपको नीट और आईआईटी जेई मेन जो कल रात में डेट अनाउंस हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। आपको पता था लॉकडाउन की वजह से आपका डेट जो है पोस्टपोन हो चुका था। जो नया डेट एचआरडी मिनिस्टर द्वारा आपको दिया गया है वो आपका है रिलीज ऑफ नीट 2020 एडमिट कार्ड इन मंथ ऑफ जुलाई। इट मीन्स आपका नीट का जो एडमिट कार्ड होगा वो जुलाई मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। और नीट 2020 एग्जाम डेट न्यू डेट जो है जो आने वाला है 26th ऑफ जुलाई, यानी 26th जुलाई को आपका एग्जाम हेल्ड होगा। रिलीज ऑफ प्रोविजनल आंसर की अभी इसका डेट फिक्स नहीं है, यानी अनाउंस नहीं किया गया। अब हम बात करेंगे आईआईटी जेई का। जेई मेन एग्जाम डेट जो नया डेट है 18 जुलाई 2023 जुलाई, ये देखिए 18 to 23rd है। अब ये पेपर कब कब होगा? 18 को, 20 को, 19 को नहीं होगा, उस दिन छुट्टी माना हॉलीडे है। 18, 20, 21, 22 and 23rd जुलाई, यानी इस इतने डे में आपका आईआईटी जेई मेन का पेपर होगा। आपको पता है आईआईटी जेई जो इस समय पेपर हो रहा है वो ऑनलाइन पेपर है, और ऑनलाइन की वजह से वो कई शिफ्ट में होता है, और वो शिफ्ट है 18, 20, 21, 22, 23rd। इस डेट को आपका पेपर होने वाला है, तो आप इस डेट को लिख लें। अब मैं आपको एक होल सिलेबस की तरह, या हम कह सकते हैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में नीट या आईआईटी जेई में वो कम्प्लीटली केमिस्ट्री क्लब से पूछ चुका है, तो मैं उस क्वेश्चन पर फोकस करूँगा ताकि आप उस क्वेश्चन को देखें और पढ़ें और उसमें कुछ सोचें कैसे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आएंगे। तो वेलकम बैक अगेन इन केमिस्ट्री क्लासेस। तो फर्स्ट टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आई हैव रिटन द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन कम इन आईआईटी 2017 8 अप्रैल ऑनलाइन पेपर। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू हैलो एल्केन्स एंड हैलो रिंग्स, इट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लुक हियर, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये आपका रिएक्शन है और आपको बताना है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, और ये ऑप्शन दिए क्या। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले समझ लें एलिमिनेशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में आप ये जो है एलिमिनेशन कई तरह होते हैं, जैसे डी हाइड्रोहैलोजनेशन, अगर बात करें डीहाइड्रोहैलोजनेशन, यानी इसका मतलब एच एक्स रिमूवल ऑफ एच एक्स, यानी एच एक्स रिमूव होगा। तो ऑलरेडी इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन है तो रिमूव तो होगा ही, और एल्किन बनाएगा, क्या बनाएगा? एल्किन। तो इसको बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी तरह होता है डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी आपका इसमें वाटर निकलेगा, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल, ये भी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का ही टाइप्स है। सो अब इसे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कंडीशन KOH, CH3OH, इसका मतलब एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। एल्कोहलिक KOH जनरली CH3OH प्लस KOH रिएक्ट करता है और बनाता है CH3O माइनस और K प्लस और प्लस H2O, यानी यह आपका एक स्ट्रांग बेस है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम मेथॉक्साइड। इसी पोटेशियम मेथॉक्साइड या एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर वही एल्कोहलिक की जगह हम एक्वस ले लें तो वो अपोजिट हो जाएगा, वो आपका एक्वस KOH लेंगे तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, जो S11, SN2 आप रिएक्शन पड़े होंगे, तो वो अनदर थिंग्स है। तो चलिए इसको देखें। इसमें एक मेन पॉइंट है साइडजप प्रोडक्ट, एक रूल है साइडजप रूल बोलता है मोर्स आफ्टर डीहाइड्रेशन आर डीहाइड्रोहैलोजनेशन मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स आर मेजर प्रोडक्ट, यानी जो एल्किन जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होगा उतना ही ज़्यादा वह स्ट्रांग या कह सकते स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ये कैसे समझेंगे, तो चलिए देखें पहले इसको।
तो आप कभी भी अगर QH कॉमा CH3OH या C2H5OH है तो इसका मतलब है कि एल्कोहलिक QH है, तो एल्कोहलिक QH भी हो सकता है, एल्कोहलिक NOH भी हो सकता है, ले सकते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पर, यहाँ पर रही बात दो ब्रोमीन है CH3CHBr और CH MH को फ्लैग मतलब बॉन्ड में दिखाऊंगा, और फिर से CH और Br और फिर से CHH और CH3, ये इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम दिखाऊं। CH3CHBr बॉन्ड CHH CHBr बॉन्ड CHH CH3। अब साइडजब रूल कहता है अगर कोई निगेटिव पार्ट किसी कंपाउंड से निकल रहा है, जैसे ब्रोमीन क्या है, निगेटिव बनेगा, इस पे माइनस होगा, तो निगेटिव पार्ट अगर किसी कार्बन से किसी हाइलो एल्केन से निकल रहा है तो उस नियरेस्ट उस एडेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन लेना पसंद करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या लिस्ट हो या लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो अगर देखें ये भी हाइड्रोजन है इसके एडेसेंट कार्बन, और ये भी हाइड्रोजन है मतलब एडेसेंट कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, बट यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2। तो जाहिर सी बात है ये ब्रोमीन अगर निकलेगा तो ये आपका इसका निकलेगा अकॉर्डिंग टू साइडजब सो हम प्रोडक्ट लिखेंगे। अगर ये ब्रोमीन इस पे जाएगा तो इस पे हो गया माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, सो ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया और सिंगल बॉन्ड CH और Br। अब देखिए एक और अभी है CH और H और CH3। अब यहाँ कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ब्रोमीन तो ध्यान समझेंगे बच्चों, अगर ब्रोमीन है तो निकलेगा माइनस इस पे प्लस। अब यहाँ ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का बात करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है अगर यह रिमूव हो तो, और डबल बॉन्ड ये भी बन सकता है। सो अगर हम देखें, मैं दोनों कंडीशन का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अगर यह रिमूव हुआ सो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड H तो रिलीज हो जाएगा क्योंकि H निकलेगा तो ये बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH3। और सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है वह यह, जब निकले तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और इस तरह CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यह अब दोनों में आपको पता करना है कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर इस वाले कंपाउंड में देखें तो इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन फॉर्म में, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सो इसका स्टेबिलिटी जो होगा इस एल्किन से ज्यादा होगा, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूट एल्किन है, यह कम या लेस सब्स्टिट्यूट एल्किन है। क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड कार्बन से देखिए दो हाइड्रोजन जुड़े यहां भी और यहां भी, लेकिन इस डबल बॉन्ड कार्बन से एक ही जुड़ा है, क्या इससे जुड़ा है नहीं, तो वही ज्यादा मोर स्टेबल एल्किन होगा जो कार्बन डबल बॉन्ड कनेक्टेड है उस कार्बन डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो। तो अगर देखें इसमें इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बट इस केसेज में यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, सो ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा मेजर होगा, और ये कम होगा लेस स्टेबल होगा, रीजन है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है। अब ये कैसे जानोगे कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है और कौन लेस है, तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ देखें यह आपका मेजर में काउंटेड होगा और ये आपका माइनर में काउंटेड होगा, माइनर में कॉन्जुगेशन भी है, सो आपका मेजर प्रोडक्ट जो होगा साइडजब के अकॉर्डिंग आपका यह बनेगा, यह ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप देखो क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो इसके इक्वल है, तो देखिए CH3CH CH3 ये दोनों तो CH3 है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, CH3CH3 गुड, CH CH डबल बॉन्ड। अब देखिए ये वाला प्रोडक्ट ना आता, ये भी पॉसिबल नहीं है, CH3CH डबल बॉन्ड या यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर एवर क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन रियली वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जो है IIT हो चाहे नीट हो चाहे एम्स हो, एक क्वेश्चन मिनिमम आपके आएंगे, तो प्लीज टेक स्क्रीन शॉट।
वेल स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चंस ऑलरेडी दिस क्वेश्चंस हैज बीन कम AIPMT 2015 ये आ चुका है क्वेश्चन, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो क्वेश्चन से भी आपका हाई लेवल कैंसर से रिलेटेड है। तो देखिए क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ CCH5CH डबल बॉन्ड CHCH3 विथ HBr प्रोड्यूस, सबसे पहले आप पढ़े होंगे मार्कोनी काफ रूल और एंटी मार्कोनी काफ रूल। मार्कोनी काफ रूल में कोई कंडीशन नहीं, उसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो HCl और HIO रिएक्शन कराते हैं, लेकिन जैसे एंटी मार्कोनी काफ में चलेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंटी मार्कोनी काफ को फॉलो करता है, बट उसमें कुछ कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस क्या है, परऑक्साइड हो, परऑक्साइड होगा तब जाके वह एंटी मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा, बट यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया है तो आप सीधे क्या यूज करोगे, मार्कोनी काफ। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, CCH5 तो चलिए इसको मैं बेंजीन रिंग में बना रहा हूं, और CH डबल बॉन्ड CH और CH3, अगर हम इसमें अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी मार्कोनी काफ रूल यह कहता है, इसका नेगेटिव पार्ट है और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, आप जानते भी हो। अगर हम बात करें इसमें रिएक्शन में, तो रिएक्शन में यह बताता है कि भाई नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा, यानी ब्रोमाइड आयन उस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या लिस्ट हो, कम हो। अब रही बात, ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो पहला फैक्टर तो वो हो गया, और सेकेंड फैक्टर है रिजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो चलिए पहले देखें, अगर यह माइनस वाला एच प्लस अटैक कर रहा है, मान लीजिए यह इस पे गया तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और सेकेंड कंडीशन हो सकता है, सेकेंड कंडीशन हो सकता है अगर यह पाई बंड इस पे गया, एक कंडीशन, चलिए पहले इसको देखा जाए। तो अगर यह हम बना रहे हैं इसको, तो यह होगा सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच और एच प्लस आकर जुड़कर सी एच टू और क्या हो जाएगा सी एच थ्री, लेकिन यहाँ पर कौन चार्ज हो गया बच्चों, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और सेकेंड कंडीशन यह हो सकता है, सेकेंड कंडीशन यह हो सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड है उस कार्बन की ओर न होकर बल्कि रिंग वाले कार्बन की ओर शिफ्ट हो, तो जब यह फिनोमेना होगा तो उस कंडीशन में आपका देखिए आपका ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे, सी एच एच यहाँ जुड़ जाएगा, सी एच यहाँ प्लस और यहाँ पर सी एच थ्री। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यह आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और यह आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक, क्योंकि जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो अगर CH3 है तो इसका sp3 है, इस कार्बन को ही बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, आ इस पे प्लस है तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में रिजोनेंस पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा बच्चों, रिजोनेंस। तो ड्यू टू रिजोनेंस इट मोर स्टेबलाइज देन दिस कार्बोकेटाइन, यानी यह सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है, बट यह बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन। अब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में रिजोनेंस पाया जाएगा, तो ड्यू टू रिजोनेंस इट बिकम मोर स्टेबल। पहला वाला बात किया गया, फर्स्ट वाला, और जब ज्यादा स्टेबल होगा तो वही क्या देगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट, एंड गिव द मेजर प्रोडक्ट। और जब मेजर प्रोडक्ट बनाएगा तब उस केसेज में आपका जो Br- है, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमिनियम आयन है, उस केसेज में आपका Br- इस पर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो उस केसेज में आपका प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जब उस समय प्रोडक्ट तब बनेगा आपका, बेंजीन है सी एच, यहाँ हो गया Br और सी एच टू और क्या हो गया सी एच थ्री, और इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा जब अटैक करेगा तो इसको भी देख लें, सी एच टू सी एच Br और आपका सी एच थ्री,
बट इन दोनों में मेजर कौन होगा? या आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और मार्गोनिक आप इसी को फॉलो करेगा। रीजन आपका क्या है? रिजोनेंस की वजह से बेंजाइलिक कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्यों? अगर ये प्लस है तो मान लो बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस यहाँ आएगा, अब रिजोनेंस हो करेगा। अब रिजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाता है। इसीलिए यह ब्रोमाइड आयन इसी कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन पर, और ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा। तो चले देखें कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए चार ऑप्शन है, C6H5CH2, इसको हम C6H5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखें आपका ये भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, C6H5CH2 है नहीं, ये पहला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट है। सेकेंड का बात की तो सरासर वैसे गलत है, ब्रोमिन इसके साथ जोड़ दिया, कोई पॉसिबल नहीं है। और ये देखा जाए C6H5CH, चलिए C6H5CH है, Br भी जुड़ा है, CH2CH3, यानी ये ऑप्शन सी ऑप्शन जो है इस आंसर से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। यह क्वेश्चन ऑलरेडी AIPMT 2015 में पूछ चुका है। तो यह भी आपका हेलियोलिकेंस और हेलियोरिंस का एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्कोनिक कॉप और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर डिपेंड है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑलरेडी दिस वैल्यू हैव गिवन, मेथिल साइक्लोपेंटेन ब्रोमीन से रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू मीन सनलाइट के प्रेजेंस में है, और यहाँ क्या बनेगा, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज, ये एक सिंपल हैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन यह डिपेंड करता है, इसका रिएक्टिविटी डिपेंड करता है, मेजर प्रोडक्ट डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पर। अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास CH3, CH2 और CH3 है, सिंपल समझेंगे पहले आप, इसमें इस कंपाउंड में प्रोपेन में दो तरह का हाइड्रोजन है, एक प्राइमरी हाइड्रोजन है, यह दोनों प्राइमरी हाइड्रोजन है, और ये जो हाइड्रोजन है सेकेंडरी है। अगर इसका हम क्लोरीन से या ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपका दो प्रोडक्ट बनेगा। पहला आपका प्राइमरी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा ब्रोमीन द्वारा, और सेकेंड आपका सेकेंडरी वाला। सो आपका जो ईज आप रिएक्शन है वह 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री का कम होता है, और 1 डिग्री का सबसे कम होता है। यह आपका एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, द ईज आप एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, द ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसमें, जब हाइड्रोकार्बन का हैलोजनेशन कराते हैं सनलाइट में। तो इस तरह यह आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और यह आपका क्या हो जाएगा, माइनर। सो सिमिलरली यहां भी देखें इस कंपाउंड को भी हम ऐसे ही करेंगे, क्लियर। तो देखें सबसे पहले मैं इसको रब कर रहा हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट लें। देखें सबसे पहले यहां देखें इस कंपाउंड में आपका यह है, इसका मतलब यहाँ CH3 है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तभी तो 4 होगा, एक हाइड्रोजन वहाँ हिडन है। अब इसका ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, और भी मैं डिटेल्स इसका बनाऊँ तो और भी थोड़ा देखिए, और मैं इसका परफेक्ट तरीके से बनाया जा रहा है, कंप्लीट फार्मूला। यहाँ पर CH3 एक हाइड्रोजन, यहां पर कितने हाइड्रोजन बच्चों, दो हाइड्रोजन, क्लियर। अब इस कंपाउंड में देखें यह कार्बन जो होगा यह प्राइमरी कार्बन होगा, कैसा कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन, क्योंकि वह कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा है, तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है, प्राइमरी हाइड्रोजन। सो ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, सो ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है टर्शियरी कार्बन है, क्यों,
क्योंकि यह कार्बन तीन कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, देखिए कि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर थ्री कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है। सो दिस कार्बन इज अ टर्शियरी कार्बन, थ्री डिग्री कार्बन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्री डिग्री। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो कैसा होगा, थ्री डिग्री हाइड्रोजन होगा। सो यह हाइड्रोजन आपका थ्री डिग्री हाइड्रोजन है, बहुत सिंपल है। इस कार्बन का बात करें तो यह आपका सेकेंडरी कार्बन है, क्यों, क्योंकि यह कार्बन इससे भी जुड़ा और इससे भी, तो यह कार्बन जो होगा वो सेकेंडरी कार्बन होगा और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। इस तरह इस पूरे कंपाउंड में प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शियरी भी है, तीनों तरह का हाइड्रोजन है। और रही बात ये जो चारों आपको CH2 CH2 है सब इक्वल है, एक जैसा है, ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये भी। सो इसका रिएक्शन अगर चाहे इसका H निकालो चाहे इसका, एक ही जैसा होगा। अब रही बात यहां पर, यहां पर चेंजिंग है, यह टर्शियरी, यह आपका प्राइमरी, यह आपका सेकेंडरी। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू हैलोजनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, द इज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, थ्री डिग्री हाइड्रोजन जो होगा सबसे बेस्ट होगा और वह सबसे मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। सो इन सभी में थ्री डिग्री हाइड्रोजन यही है, और जब यह हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा सब्स्टिट्यूट होगा तो आपका ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा। सो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, ध्यान देंगे, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, सो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमीन, ये आपका बनेगा। और यहाँ का जो H रिमूव होगा वो एक ब्रोमीन के द्वारा रिएक्ट करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। जनरली ये जो रिएक्शंस होते हैं यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, कैसा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आपका आंसर यह होगा। तो देखें कोई ऐसा ही ऑलरेडी क्वेश्चन IIT 2015 में पूछा है, IIT JEE 2015 में पूछ चुका है। अब इसमें देखें कोई ऑप्शंस क्या इसे मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या इसे मैच किया, नो, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि CH3 और ब्रोमीन यहाँ है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, परफेक्ट, देखिए CH3 वही बात है, इसका मतलब CH3 और ब्रोमीन। सो आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, यानी सी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, समझ आया, ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन ऑलरेडी हैज बीन कम इन द IIT एग्जाम इन 2000s, मैं आपको बता दे रहा हूँ कब आया था ये क्वेश्चन, ये आया था 2015 को, IIT 2015 में आया था ऑनलाइन पेपर में। तो चलिए क्वेश्चन देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हिस्टोरी प्रॉब्लम है। कोई कंपाउंड ए है विद मॉलिकुलर फार्मूला गिवेन, C10H13Cl गिव्स ए वाइट PPT ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी अगर हम इस कंपाउंड में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो वाइट PPT बनता है, किसका, AgCl का, AgNH3 रिएक्ट करेगा, AgCl बनाएगा। ऑन रिएक्टिंग विथ एल्कोहलिक KOH, रिएक्टिंग विथ एल्कोहलिक KOH, यानी यह कंपाउंड एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कर रहा है, तो गिव्स ए कंपाउंड बी, तो कंपाउंड बी बनाएगा। तो आपको बता दें यहाँ यह हाइलो, मतलब हाइलो कंपाउंड है और यह एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या होगा, डी हाइड्रो हैलोजनेशन होगा, गिव्स ए कंपाउंड बी एज द मेजर प्रोडक्ट, वो भी मेजर प्रोडक्ट बना रहा है, अकॉर्डिंग टू साइड जब प्रोडक्ट बनाएंगे। बी ऑन ओजोनोलिसिस, अब यहाँ देखो बी का ओजोनोलिसिस किया गया, ओजोन से रिएक्शन और फिर से जिंक के साथ वाटर के साथ, तो सी और डी बनाया, दो प्रोडक्ट बनाया, तो सी गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। अब यहाँ कह रहा सी गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड देता है और वही एल्डिहाइड देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, जैसे फॉर्मल डिहाइड इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यह कैनिजारो रिएक्शन देगा। बेंजल डिहाइड, ये भी आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। इसी तरह क्लोरल CCl3CH2, ये भी आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा, क्योंकि इन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात सी जो बनेगा, जो एल्डिहाइड बनेगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बट नॉट एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। डी गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, डी एल्डोल देता है लेकिन कैनिजारो नहीं देगा, क्योंकि डी में अल्फा हाइड्रोजन है। तो चलिए देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लास्ट वाले पोर्शन से देखेंगे,
ये आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है इसमें एक एरोमेटिक रिंग हो, क्योंकि सभी ऑप्शन में देखिए बेंजीन बेंजीन दिया है, और दिया है कि नहीं। तो चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करें, हम ओजोनोलिसिस से ही प्रोडक्ट जो बनना उससे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखें कैनिजारो रिएक्शन देगा, कौन देगा, यानी रिंग है तो रिंग का मतलब बेंजल्डिहाइड। तो अगर हम बात करें तो इस कैनिजारो रिएक्शन के द्वारा, क्योंकि हमें ऑप्शन से आंसर लगाना है क्योंकि उस समय समय भी बचाना है आपको, बेंजल्डिहाइड होगा यह देगा क्योंकि सभी में बेंजल रिंग है। और साथ ही साथ कंडेंसेशन रिएक्शन भी दे, कंडेंसेशन रिएक्शन डी देगा। तो डी जो कंडेंसेशन देगा उसमें कार्बन, अगर मान ले मैं एसीटोन ले लिया CH3 सी डबल बॉन्डो, ये आपका एसीटोन। तो अगर इन दोनों में कार्बन को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ 7 8 9 10, यानी कार्बन की संख्या कितना गया 10, यानी यह करेक्ट है, यही प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोजन की संख्या कितने 13, तो देखिए 1 5 6 6 3 आपका 9 3 12, इसमें एक कम होगा क्योंकि हाइड्रोजन है। तो चलिए देखें, अगर यह ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट यह है, तो अगर ओजोनोलिसिस न होगा तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड इनके बीच में होगा, कभी भी जब ओजोनोलिसिस कराते हैं तो डबल बॉन्ड को तोड़ता है और ओजोन जुड़ता है। तो मैं यहाँ डबल बॉन्ड जोड़ दूँ तो इसके पहले वाला जो लिखे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी यह प्रोडक्ट यह होगा ओजोनोलिसिस के बाद। और जब ओजोनोलिसिस करा देंगे और हाइड्रोलिसिस सब करा देंगे तो यह आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा CHO, और बनेगा एसीटोन CH3 सी डबल बॉन्डो CH3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यह कैनिजारो रिएक्शन देगा बट एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, और यह आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अब हमारा एल्कीन यह होगा। अब इसके पहले क्या करा, देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यह आपका बना सी और ये बना, सॉरी यह बना सी और ये बना डी, सी डी बन गया। और ये जो बना बी ऑन ओजोनोलिसिस गिव सी, यह आपका बना क्या बी कंपाउंड, बी आपका ये है। अब हमें ए पता करना है, अभी देखिए बहुत सिंपल है, नीचे से मैं लिख चलूंगा सीधे समझ आएगा। अब ए पता करना है तो देखो, अब इससे पहले क्या करा है, ए ऑन रिएक्टिंग विद एल्कोहलिक KH गिव्स ए कंपाउंड बी, यानी एल्कोहलिक KH होगा और एल्कोहलिक KH में क्या होगा डी हाइड्रोहाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ C और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ पे क्या लिख दिया गया Cl, क्या लिख दिया Cl। अब बहुत लोग सोच रहे हैं Cl यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अगर हम Cl यहाँ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ऐसे पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर मैं Cl इसके साथ जोड़ दिया, ध्यान दें हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट की बात है, तो Cl करेंगे यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, क्या यह प्रोडक्ट बनेगा, कभी पॉसिबल नहीं है। सो यह Cl यहाँ नहीं रह सकता है, आपका Cl जो है इस कार्बन से अगर कर दें तब यह डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब देखें, अब एल्कोहलिक KH का मैं यूज करूँगा तो यह Cl पे गया माइनस, इस पे क्या गया प्लस। अब यह हाइड्रोजन यहाँ कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है अकॉर्डिंग टू साइड, जब हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड। तो देखिए आपका डबल बॉन्ड बना, ये कंपाउंड बना, ये भी बना, अर्थात जो ए कंपाउंड होगा आपका यही कंपाउंड होगा। क्योंकि अगर हम इसका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराता हूँ तो यह Cl सिल्वर के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और बनाएगा AgCl का वाइट पीपीटी बनाएगा। सो आपका ए कंपाउंड यह होगा। तो देखिए कोई ऑप्शन ऐसा दिया है CH5CH CH2C, नहीं ये नहीं है, ये देखिए ये भी आपका नहीं है, यह देखिए CH5CH2CH2CCl, यस ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों करेक्ट है। तो मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C10S13Cl गिव्स ए वाइट पीपीटी ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ए ऑन रिएक्टिंग विद एल्कोहलिक KH गिव्स ए कंपाउंड बी। तो अब आपको यहाँ समझना है, जब एल्कोहलिक KH करेंगे तो यहाँ पर एल्कीन बनेगा, क्या बनेगा एल्कीन। तो देखिए एल्कीन बना, अब एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बनेगा साइड जब रूल के अकॉर्डिंग बी ऑन ओजोनोलिसिस, बी का ओजोनोलिसिस किया गया और जो कंपाउंड दिया सी और डी, एक सी बनाया एक डी बनाया, सी गिव्स कैनिजारो रिएक्शन या सी देगा कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड देता है, कैनिजारो रिएक्शन देगा बट नॉट एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा।
डी गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, यस डी एसीटोन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा बट कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो आपको पता करना ए क्या होगा, तो आपका ए जो होगा ये आपका कंपाउंड होगा, समझ गए। तो चलिए एक बार मैं और क्लियर लिख रहा हूँ, ये आपका एक सबसे शॉर्ट ट्रिक है आइडेंटिफाई करना प्रोडक्ट या ए का वैल्यू, ए क्या होगा। मैं नीचे से प्रोडक्ट लेकर उसी से बनाया हूँ, चलिए अब इसी को मैं सीरीज से लिख कर दिखा रहा हूँ रिएक्शन। अगर मान लीजिए कंपाउंड यह है, तो देखिए CH5 CH2 CH CH3 CH3 और क्या था Cl था। अब एक एक करके मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, AgNO3 के साथ कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो आपका बनेगा CH2 CH CH3 और यहाँ CH3 था एक, और यस तो था नहीं, यहाँ पर हो जाएगा NO3 और प्लस AgCl वाइट PPT। सेकेंड कह रहा है और रिएक्टिविटी एल्कोहलिक कैच, तो अगर ये बॉन्ड इस पे गया तो माइनस, इस पे क्या गया प्लस, तो अकॉर्डिंग टू साइड जब हाइड्रोजन वहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो देखिए यह आपका कार्बोकेटाइन यह वाला, तो यहाँ हाइड्रोजन निकल, यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, सो आपका प्रोडक्ट CH5CH डबल बॉन्ड CH CH3 और क्या हो गया CH3। और फिर से इसका लास्ट रिएक्शन जो कर रहा है ऑन ओजोनोलिसिस, ओजोन से कराएंगे, तो ओजोन से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका देखिए इस तरह आपका जुड़ता, आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, ये ओजोनाइड बना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों ओजोनाइड। अब ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस जिंक के प्रेजेंस में करा देंगे, तो बॉन्ड टूट जाता है और ये देखिए बनेगा CH5CHO हो गया CH5CHO, आइए देखिए CH3, यहाँ H नहीं है, यहाँ देखिए H नहीं होगा, गलत लिखे, हाँ यहाँ देखिए CH3COCH3 यानी एसीटोन CH3COCH3 ये आपका बनेगा। अब यह कैनिजारो रिएक्शन देगा और ये आपका एल्डोल देगा, हो गया आपका आंसर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, बहुत सिंपल है। ओके प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।